ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରି ଓ ରାକ୍ଷସ ଏ କାହାଣୀ ପରୀ ଦେଶର ଅଟେ। ପରୀମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଶ୍ଵେତଘାଟରେ ହିମାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପରୀମାନଙ୍କ ଦେଶର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପରୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଶ୍ଵେତଘାଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେହି ପରୀର ନାଁ ଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରୀ। ହିମାସୁର ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରୀ, ପରୀମାନଙ୍କ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପରୀ, एबे मु तते मोर रानी करीबी रानी। मते छाड़ी दे हिमासुर, मते मो बुढ़ा बाबा को पाख को जीवा को दे। एबे तू कोठी की भी जाई परिबुनी, एबे श्वेत घाटी रे हिमासुर रो रानी होई ता पाख रे ही रहिबू। राती हेबा परे श्वेत घाटी रे सियाला मानकर कांदा सुना जाए। आउ एही शब्द सुनिके सौंदर्य परी बहुत डरी जाए। सेतिके बेले झरका पाखरे ताको गोटे नीला रंगर शृगाल देखा जाए। अरे नीला शृगाल, ये निश्चिंत भावरे ए शृगालर जगुआली हेइथिबो, मो लुचि जाउछि। एहा कहि कि सौंदर्य परी निज बिछणारे सोई पड़े। किंतु सेतिके बेले किए जने कबाटको खटखट करे। एही समय रे किए हेइथिबो, मते तो बहुत डर लागुछि। किए किए तमे? हमु नीलवर्ण शृगाल अटे। हे भगवान, एबे कौन हबो? ए शृगाल तो कबाट पर्यंत पळेई आसिलाणी। कबाट खोलो सौंदर्य परी, मु तुमको हिमासुरर बंदीरु मुक्त करिवाकू आसीची, आउ बड कष्ट रे ए पर्यंत पहुंचीची। एहा सुनी कि सौंदर्य परी साहस करे कबाट खोली दिए। आउ ता परे बाहरे तम देशर राजकुमार नीलांबर छिड़ा होइछंती, से तमको नबाकू आसीछंती। हेले मो तांको पर्यंत केमिति पहुंची परिबी? जेमिति मु ए पर्यंत आसिली सेमिति भाबे मु तुमको तांको पाखरे पहुंचे देई परिबी। बस गोटे थरो तमे मते स्पर्श करि दियो। नीला शृगालटे एहा कहिबा मात्रे ही सौंदर्य परी ताकु स्पर्श करि दिए। आउ सेही समय रे सिए भी गोटिए शृगाल होई जाए। एबे आमे हिमासु राक्षसर महल भितर केमिति बाहरि पारिबा? एबे आमे परस्पर को छाडी देले आउ कहा को भी देखा जिबानी। आस जिबा। एहा परे नीला शृगालटे सौंदर्य परी को धरि जंगल भितर को पळाई जाए। आउ राजकुमार नीलांबरंक सहित भेट कराए। सौंदर्य परी, ये आपन का देशर राजकुमार नीलांबर अटंती। अच्छा, आम राजकुमार तो बहुत सुंदर अटंती। हेले प्रथमे तो मते शृगालर परित करि दिया। मते पुणी थरे जदी स्पर्श करि नेबो ताहेले पुणी थरे परी रूप को आसी जिवो। अच्छा, एमिते कथा। एहा परे सौंदर्य परी जेमिते ही नीला शृगाल को स्पर्श करे तो ता परे तुरंत निजरा असली रूप को आसी जाए। आउ तांको देखिबा मात्रे ही राजकुमार नीलांबर, अरे तमे तो प्रकृतिर करिश्मा अट परी, आम देश रे चिराग नै बुलिले भी तुम परी परी मिलिबे नाही। आपण को तुंड सुतुंड हेई जाऊ राजकुमार। ए दुई जनंकर एमिति कथाबार्ता सुनी कि नीला शृगाल व्यस्त होई जाए। आउ सेमानन को बुझाए, राजकुमार नीलांबर, आपण दुई जनक ऊपर विपद घुरी बुलुची। जे पर्यंत आपण श्वेत घाटीर जंगल को पार करि नहंती से पर्यंत हिमासुर केतेबेले भी धरि पारे। ताहेले आमी कोन करिबा सांग? मो घोडा होई जाउची, आउ आपण दुई जन मो ऊपर जल्दी बसी जानतु। एबे जमर भी देरी करंतु नाही। एहा कहि कि नीला शृगाल जल्दी धड़ा घोड़ा हेई जाए। और एहा परे नीलांबर एवं सौंदर्य परी ता ऊपरे बसी पड़ंती। घोड़ाटी बरफ जंगल रे जोरे दौड़ाकू लगे। किंतु सेतिकी बेले हिमासुर सैन्य माने शृगाल रूपरे तांको घेरी जाती। और जण जण करी सैनिक बनी जाती। अरे मोठू बंची की खसी की जीवा एते सहज नुहे। हिमासुर आमको जीवाकू दे, आउ सौंदर्य परी उपरे अत्याचार करेनी। सौंदर्य परी को छाड़, निज चिंता कर राजकुमार नीलांबर, सीए तो जीवित रहिबे किंतु तुमे नुहो। आउ जेमिति ही सैनिक माने सौंदर्य परी एवं राजकुमार नीलांबर को गिरफ करंती तो घोड़ा हेइतिबा नीला शृगाल सेठारु अदृश्य होई जाए। सैनिक माने तो सौंदर्य परी को राक्षस हिमासुर महल को नहीं आसंती, किंतु राजकुमार को सेठारे ही मारिकी जंगल रे फोपाड़ी दे आसंती। नीला शृगालटी राजकुमार शव पाखरे कांदी कांदी कहूथिला, मते क्षमा करि दियो सांगा, मते तुमको बंचैबार शक्ति नथिला। आउ से हिमासुर बहुत बड़ा जादूगर अटे। एहा कहि कि नीला शृगालटी सेठारु पळेई जाए। और रास्ता रे तार जड़े महात्मा का सहित भेट हुए। हे महात्मा, काहे आपण के पाखरे जीवन दानर पवित्र जल अछि? हां अछि, किंतु तुमरा कोन आवश्यक अछि श्रुगाल? महात्मांकर एही प्रश्न पचारिबारु नील श्रुगाल तांकु सौंदर्य परि उपरे हिमासुर अत्याचार और राजकुमार नीलांबरंकर मृत्युर पूरा कहानी सुनाए। तांकर व्यथा कथा सुनिकी महात्मांकु बड़ा दुख हुए। ए दुई जनंकु मु अवश्य सहाय्य करिबी। तमे मते राजकुमार नीलांबरंकर मृत शरीर पाखकु नै जाओ। सर्वप्रथमे तांकु जीवित करिबाकु पड़िबो। नील श्रुगाल महात्मा को राजकुमार नीलांबरंकर मृत शरीर पाखक नहीं जाए और सीए तांकर मृत शरीर उपरे जेमिति ही जीवन दान पवित्र जल को छिंची दिहंती, सी जीवित होई उठंती। राजकुमार नीलांबर जीवित होई गला परे महात्मा जी तांको राक्षस हिमासुर को मारिबार उपाय कहंती। देख राजकुमार, सही दुष्ट राक्षस हिमासुर को मारिबार गोटिए ही उपाय अछि। आउता हेउचिता कक्ष भितरे थिबा सुना जल पात्र रे पहरुथिबा सुनार माछ। तमे सेही सुनार माछ को जलरु बाहर करी फिंगी दब त ताहेले कोन हेबो महात्मा जी? सेही माछ को बाहर को फिंगी देबा मात्रे ही से छटपट होई मरि जिवो। आउता सहित सेही दुष्ट राक्षस भी मरि जिवो। आउ ताहार समस्त कुहुक शक्ति समाप्त होई जिवो। आउ ता पर कोन हेबो महात्मा आज्ञा? ता पर तार सबुतक सैन्य श्रुगाल होई जिवे आउ जंगल भीतर को दौड़ी पलैबे, कारण से तार कुहुक शक्ति बल रे ही श्रुगाल मानंकु सैनिक बनैकी रखिची। महात्मांकर एकथा सुनिकी नीलांबर पचारे, किंतु महात्मा आज्ञा, आमे ता कक्ष भीतर पसिकी सेही सुनार माछ को केमिति बाहर फोपाड़ी पारिबु? एहा तो बहुत सहज अटे। मु तुम दुई जनंकु सागुणा बनै देउची। तुमी सागुणा होई ए काम को सहज रे करि पारिबो। राक्षस मरिबा मात्र ही तुमे तुम प्रकृत रूप को फेरी आसीबो। एहा परे महात्मा जी सेमानंको सागुणा करि दियंती और से दुई जण राक्षस हिमासुर कक्षरे पसिकी सेही सुनार माछ को बाहर को फिंगी दियंती और जेमिति ही माछटी छटपट होई मरिबा को लागे हिमासुर भी छटपट होई मरि जाए। से मरिबा क्षणी ही सब सैनिक माने श्रुगाल होई जंगल को पळेई जांती। राजकुमार नीलांबर, आपण को जीवित देखि मो बहुत खुशी। मु तो भाबी थिली कि आमे केबे भी हेले देखा हे परिबानी। सौंदर्य परी एहा तुमर प्रेम ही थिला जी मते जीवित ही रखिला, कारण एबेठारु मु तुमको बहुत भल पाई बसिलेनी। मु भी तुम बिना रही परिबिनी। आपण दुई जणन को खुशी देखि मते भी बहुत खुशी लागुची। मु सब बेले तुम पाखरे ऋणी होई रहिबी सांग। पुणी नील श्रुगालठो विदाय ने राजकुमार नीलांबर सौंदर्य परी को ने निज परिदेश को फेरी आसंती। परिमानंकर राजा और राणी नीलांबर और सौंदर्य परीर विवाह करे दियंती और एमिति भाबी से दुई जण खुशी खुशी रहिबाकु लागंती।